पीसीओडी में प्रेगनेंसी लगने में क्या मुश्किलें होती हैं? काफ़ी सारे पेशेंट्स के कमेंट्स आते हैं हमारे वीडियोस जो हम पीसीओडी पे बनाते हैं कि मैम मेरे को पीसीओडी है और मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ, मुझे प्रेगनेंसी नहीं लग रही, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वीडियो आपको अच्छा लगता है आप उसको शेयर ज़रूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीसीओडी जैसे कि हम बात करते हैं अक्सर, ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है, इसमें कोई सिस्ट नहीं होती। मैंने एक वीडियो बनाया है कि पीसीओडी और सिस्ट में क्या अंतर है। काफ़ी लोग पीसीओडी को ओवेरियन सिस्ट से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन पीसीओडी में कोई ओवरी में सिस्ट नहीं होती। ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें जो अंडे होते हैं वो छोटे 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 5 से 8 mm की साइज़ में बने रहते हैं और ना ही बढ़ते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? हमारे अंदर हार्मोन की दिक्कत होती है जिसकी वजह से जो हर महीने एक अंडा एक अपने नियमित समय पे बनना चाहिए वो नहीं बनता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती और साथ में पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, अगर आपको पीरियड्स लेट लेट आते हैं, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको एग नहीं बन रहा है। हर महीने साइकिल में अमूमन जो लेडीज़ होती हैं उनका 12वें से 16वें दिन एक एग बनता है जिसका साइज 2.5 से 3 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जब साइकिल्स लेट आ रही हैं, दो दो तीन तीन महीने में आ रही हैं, एक तो हमें ये पता नहीं चलता कि एग बन रहा है कि नहीं बन रहा, एग का कौन सा टाइम होगा, जिस वजह से प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत आती है। तो इस कंडीशन में अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है, आपकी शादी को 1-2 साल हो गए हैं और आप ट्राई कर रहे हो, आपको प्रेगनेंसी नहीं लग रही है, ना ही आपकी पीसीओडी इम्प्रूव हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए। हमारे पास जब पेशेंट आता है पीसीओडी का जिसको प्रेगनेंसी करनी है, तो उसके कुछ ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, सीरम एफएसएच लेवल है, एलएच है, सीरम एएमएच भी कभी कभी कराया जाता है। ये सारे टेस्ट हम आपको एडवाइज़ करते हैं। इनमें से जो कुछ टेस्ट है जैसे एफएसएच, एलएच, ये पीरियड्स के सेकेंड थर्ड डे कराया जाता है। बाकी थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, एएमएच है, ये पीरियड्स के किसी भी दिन कराया जा सकता है। और जो पीसीओडी के लिए अल्ट्रासाउंड है वो भी बेटर होता है। अब पीरियड्स के सेकंड या थर्ड डे कराओ, उससे ओवरीज के जो साइज़ होता है उसका करेक्ट हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो एक बेसिक टेस्ट होते हैं पेशेंट के कराए जाते हैं, साथ में हस्बैंड का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हस्बैंड सीमन एनालिसिस, जो हस्बैंड होते हैं उनके वीर्य की जाँच, क्योंकि आजकल काफ़ी कॉमनली देखा गया है 50% केसेस में जो हस्बैंड के सीमेन होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं लग रही। तो अगर आपकी पीसीओडी है तो आप ये मान के मत बैठो कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही में है, हो सकता है साथ में पार्टनर में भी कोई प्रॉब्लम हो, तो दोनों को ही डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए। और शादी के अगर 3 साल से ऊपर हो रहे हैं, कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, ट्रीटमेंट ले चुके हो, तो अगर आपका कम भी टाइम हुआ है तो हम ट्यूब चेक भी कराते हैं, जैसे हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी बोलते हैं, HSG बोलते हैं। ये थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है, लेकिन काफ़ी सारे सेंटर इस जांच को बेहोशी में भी करते हैं जिससे आपको कोई भी पेन नहीं होता है। इस जाँच में एक डाई डाली जाती है आपके योनि के थ्रू और एक्सरे फिल्म ली जाती है और देखा जाता है वो डाई ट्यूब से बाहर आ रही है नहीं आ रही, ताकि हमें पता चल जाए कि ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं खुली। जब देखा, जब हमें ये सारा हमें श्योर हो जाता है कि आपके सारे टेस्ट ठीक है, आपकी ट्यूबें खुली हुई हैं, आपके हस्बैंड का सीमेन रिपोर्ट ठीक है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपको कुछ दवाइयां दी जाती हैं जो आपके एग बनने में हेल्पफुल होती हैं, वो पीरियड्स के सेकेंड थर्ड डे शुरू की जाती है। और साथ में आपको फॉलिकुलर स्टडी के लिए बुलाया जाता है, जो कि ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, जो वजाइना के थ्रू होता है। ये 10th डे ऑनवर्ड शुरू करते हैं, कई बार डॉक्टर्स अपने हिसाब से इसको 11वें 12वें दिन भी शुरू कर सकते हैं। और ये 1 दिन या 2 दिन के गैप में किया जाता है देखने के लिए कि आपका फॉलिकल कैसा बन रहा है। अमूनन जो फॉलिकल होता है उसका साइज़ 20 से 22 सेंटीमीटर का उसको नॉर्मल पूरा मानते हैं, तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं जब तक कि हमें वो फॉलिकल पूरा 20 से 22 mm तक का बनता हुआ दिखाई पड़ जाता है। फॉलिकल होता है उसके अंदर एग होता है, तो उसको फिर जब आपका एग पूरा फॉलिकल पूरा बन जाता है, उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है SCG का, जिससे कि वो फॉलिकल फूट जाए और उससे एग रिलीज़ हो जाए। जब एग रिलीज़ हो जाता है तो जो ट्यूब्स होती हैं अगर खुली होंगी तो वो उस एग को कैच कर लेती हैं। ट्यूब्स के अंदर प्रेगनेंसी लगती है, स्पर्म और एग का आपस में जुड़ने का जो प्रोसेस होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वो होता है। 5 दिन तक वो वहीं पर बढ़ता है, 8 सेल ब्लास्टोसिस बनता है, फिर उसके बाद वो जाके बच्चेदानी में
अपनी इम्प्लांटेशन होता है उसका, जो बच्चेदानी के अंदर की लेयर होती है, झिल्ली होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो जब हम फॉलिकुलर स्टडी करते हैं तो हमें सिर्फ एग का पता चलता है, फॉलिकल का, कि वो साइज़ बढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों जो काम होते हैं, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, इनका नहीं पता चलता। तो जिस टाइम फॉलिकल पूरा बन गया, हमने इंजेक्शन दिया आपको, उस टाइम हम आपको बोलते हैं कि आप आपस में रिलेशन बनाइए जिससे आपकी प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बन जाएं, और 15 दिन के लिए कुछ दवाइयां लिख के देते हैं, और उसके बाद फिर आपको चेक करने बोलते हैं कि प्रेगनेंसी हुई या नहीं हुई। इस पूरे प्रोसीजर में जो एक बार करते हैं, 1 मंथ का ट्रीटमेंट होता है, उसमें आपके प्रेगनेंसी लगने के चांसेस 10-12% होते हैं। तो सेम ट्रीटमेंट आपका 3-4 बार किया जाता है, जिसमें आपके 30-40% चांसेस हो जाते हैं बच्चे लगने के। तो अगर ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट कुछ और आपको सजेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों।